आज किसान आंदोलन को इन बॉर्डरों पर एक साल पूरा हो गया है और इस एक साल में किसान आंदोलन को सहयोग करने वाले सभी किसानों, मजदूरों और जिसका किंचित मात्र भी सहयोग इस आंदोलन में रहा है, चाहे वो फिजिकली रहा हो चाहे वो इमोशनली रहा हो, उन सबको बहुत धन्यवाद भी देते हैं संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से, और सारे किसानों मजदूरों बिरादरी को बधाई भी देते हैं कि आप तीनों कानून, जो काले कानून हैं, उनको रिपील करवाने में आप सफल रहे हैं। इस दौरान विपरीत परिस्थितियों में मीडिया बंधुओं ने भी बहुत संयम और सहयोग के साथ इस आंदोलन में अपनी सेवाएं दी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद सारे मीडिया बंधुओं का, और भी जितने भी अदारे, जितने भी संगठन, जितने भी सहयोगी धार्मिक संगठन, जितने भी कार सेवा और हमारे किसान संगठन, उन सबको शुभकामनाएं। और क्या कोई एग्रीमेंट था कि हम एक साल को वापस चले जाएंगे? हमारा था कानून वापस, एमएसपी जो हो सवाल हमारे हैं, रिजर्व निपटा रहा हो गया जब कानून तो लगभग वापस होने की दिशा में है। एमएसपी कौन देगा, वो भी बड़ा सवाल। और क्या क्या है साहब? अरे कोई पूछ जाए तो बतावे, ये तो पूरी किताब है, कोई पढ़ेगा जब भी तो बतावे। पूरे एक पिछले एक साल में किस किस तरह के मोड़ आए, किस किस तरह? हाँ, बहुत मोड़ आए, बहुत खतरनाक मोड़ आए भाई, बहुत खतरनाक मोड़ आए। सरकार का रुख अब आपको कैसा लगता है? धोखेबाजी का लग रहा, जालसाजी का लग रहा, दूसरे को इंसल्ट करके किसानों को उसको भेजने का लग रहा। अब जो 10 दिन आज के बाद भी प्रोग्राम हो चलेंगे अभी सरकार में, और जिस दिन ये कानून पार्लियामेंट से वापस हो जाएगा उसके बाद में एक बड़ा अभियान चलेगा सरकार में, बड़ी पोस्टरबाजी होगी कि हमने बात बात दी और किसान घर वापसी ले जाए। एमएसपी का जिक्र नहीं कर, एमएसपी का बड़ा सवाल। आप बिना एमएसपी के आगे नहीं बढ़ेंगे? हाँ नहीं, क्यों जाएंगे भैया, क्यों बोलते फिर फेर के आते फिरते, अब तो आ ही रही अब रो तवा से रात दो रोटी फिर बोले इसी पे सेक ले। संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या स्टैंड लिया जाएगा, क्या चाहिए आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे स्टैंड लिया जाए सरकार के रुख पर, कानून वापसी पर, सरकार के जालसाजी से बच कर रहना उसको भी ले। आपने 29 तारीख को दिल्ली कूच की बात की है, सरकार के दिल्ली जाने की बात करी है, रास्ते से जैसे और लोग दिल्ली जाते हैं ऐसे ही हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया कि भाई बिना परमिशन हम नहीं जाएंगे। भाई पूरा देश परमिशन लेके आ जाएगा दिल्ली में, कोई ये चाइना है कि शहर में जाओगे तो परमिट लेके जाओगे, या कोरिया है कि घर से लेकर तो परमिट चाहिए, या कोरोना काल है कि थानेदार की मोहर चाहिए जब आप शहर में जाओगे दवाई लेने, हमें दिल्ली जाना, पार्लियामेंट में जाना, हम जाकर बैठेंगे वहाँ। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आप? मैं बाहर जा रहा हूँ अमृतसर, और वहाँ भी क्या किसानों के साथ? हाँ, किसानों के।